नॉनवेज घर पे बनाया और ये वाटरप्रूफ है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नाइ वीडियो। आई एम अर्शिका और आज हम बनाने वाले हैं वार्निश। और यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने अलग अलग प्रकार के वार्निश है। पहले तो सबसे महंगा वाला, उसके बाद उससे थोड़ा सस्ता वाला और लास्ट में तो सबसे सस्ता वाला। और साथ में मैं आप सबको इसका प्राइस भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका प्राइस कितना, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। और इसका प्राइस देखिए कितना है। ये है एशियन पेंट का वार्निश, ये है ट्रांसपेरेंट वार्निश जो कई लोग वार्निश के तौर पे भी इसको यूज करते हैं। पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, हम इसे पेपर पे यूज नहीं करते, हम इसे पेपर में यूज करते क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। पर ये पेपर के लिए नहीं बना, ये क्ले के लिए बना है। और ये है हमारा सस्ता वाला जुगाड़ जो कई लोग यूज करते हैं। फेविकोल को वाटर में मिक्स करने के बाद इसे पेपर में अप्लाई करते हैं, पर जब हम गीले हाथों से पेपर को टच करते हैं वो पेपर का कलर पूरा हाथ में लग जाता है। आज जो ये वार्निश बनाने वाले उसमें हमें इन चारों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसके लिए आपको वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले हमें चाहिए खाली कंटेनर, उसके बाद हम इसमें ये ग्लू तो बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे फैब्रिक ग्लू। जैसा कि आप सबको पता है कि इसे हम अपने कपड़ों पर भी यूज करते हैं, दूसरी बात तो ये तो वाटरप्रूफ होता है और इसकी प्राइस भी आप सब देख सकते हैं। इसे तो आप पूरा साल भर यूज कर सकते हैं। बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको ओपन करने के बाद जब तक हम एक ग्लू इसमें ऐड करें, इसकी जो क्वांटिटी रहेगी ना वो 2.5:2 रहेगी और वाटर की क्वांटिटी 1:2 रहेगी। तो इसे इसमें देखिए मैंने कितना सारा इसमें ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और ये देखिए हमने कितना थोड़ा सा वाटर ऐड किया है। उसके बाद ब्रश की हेल्प है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कम से कम आज को इसको 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करना जाता है कि पूरा अच्छे से मिल नहीं आता, और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको मिलाना है। आप चाहे तो थोड़ा सा और वाटर ऐड कर सकते हो। अगर आप सब इस वीडियो पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट DIY वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जिस भी टॉपिक पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे और सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उसी टॉपिक को मैं जरूर बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा होममेड वार्निश रेडी हो चुका है। आप ये वीदियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर कर दे, जो भी आर्टिस्ट है वो तो इस वीडियो को पूरा ही देखेगा। जैसा कि आप सबने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी जहां हमने बनाया था एक्लेरी कलर होममेड और इस काले से दिए पे भी पेंट किया था, और ये देखिए कितना अच्छा ये शाइन कर रहा था। और आपको पता है जैसे ही मैंने इस पे वार्निश अप्लाई किया इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ज्यादा थिक है, तो इसे फटाफट लगा देंगे। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट की, तो आप एकदम स्लो स्लो एकदम आराम से लगाइए। इसे पूरा लगाने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे, तब तक हम इसके कैप पे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा थिक है, तो आप सबकी कंसिस्टेंसी भी ऐसी होनी चाहिए। अगर आप सबने कोई भी गलती की होगी तो आपने जब इसको वाटर छूगे तो कलर आपके हाथ में लगेगा और आप सबको बहुत ही आराम से वार्निश को लगाएं, कहीं पे भी लाइन ना हो जाए क्योंकि ड्राई होने के बाद वो लाइन दिखती है। तो इसको देखिए अच्छे से पेंट होने के बाद इसे ड्राई होने के रख देंगे। हमने दिए और डिब्बे पर तो पेंट कर दिया, पर हमने किसी पेंटिंग पे पेंट नहीं किया। तो चलिए पेंटिंग में देखते हैं कि कैसा ये वर्क करता है। जैसे ही मैंने अप्लाई किया ऐसा लग रहा है कि मैंने व्हाइट कलर अप्लाई किया था। तो इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से इसे अप्लाई करेंगे क्योंकि जैसे ही अप्लाई करेंगे ना ये उसी फॉर्म में हमें दिखेगा भी। तो आपको बहुत ही एकदम प्लेन डायरेक्शन में आपको इसे कलर करना है। सो ये देखिए हमारे होने के बाद जो दिए की साइड जो बैक साइड बना ना उसको भी हम पेंट कर देंगे पूरा अच्छे से, और बैक साइड भी पेंट करने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो आप चाहे तो फैन के नीचे रखने के बाद, और बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जाता है। फ्रेंड्स आप सबकी ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही कि दीदी आप होममेड वार्निश ट्राई करिए। और फ्रेंड्स ये देखिए हमने वार्निश ट्राई भी कर लिया है और ये हमारा ड्राई भी हो चुका है और ये इतना ज्यादा अच्छा बना है। फ्रेंड्स आप सब खुद ही देखिए, मुझे तारीफ करने की भी जरूरत नहीं है, ये इतना शाइन कर रहा है। मतलब पहले जो शाइन थी वो थोड़ी सी कम थी, पर ये करने के बाद ना इतना ज्यादा अच्छा शाइन कर रहा है आप देखिए। उसके बाद जैसे ही मैंने इसे उठाया, ये उठाने के बाद ऐसा लग रहा है मैंने इसमें ग्लास पेंट किया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स आपको पता है ये साथ में ना वाटर प्रूफ भी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ वाटर प्रूफ कैसे। तो आप सब पहले इसकी शाइन देखिए कितना ज्यादा ये शाइन कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमने रियल वार्निश अप्लाई किया है। पर किसी को तो पता चलेगा ही नहीं कि हमने इतने सस्ते जुगाड़ में अपना वार्निश बनाया। सो ये देखिए हमने जो पेंटिंग पे किया था ना ये पेंटिंग वाला बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा ड्राई। और फ्रेंड्स लुक एट द शाइन, एकदम रियल वार्निश जैसा शाइन कर रहा है, मुझे तारीफ करने की भी जरूरत नहीं, आप सब खुद ही देखिए कितना बेस्ट और अमेजिंग रिजल्ट आया है। तो ये वार्निश 101% वर्क करता है, जिसका आप सबका बेसब्री से इंतजार था, क्या ये वाटर प्रूफ है। लिटरली फ्रेंड्स 101% ये वाटर प्रूफ है। ये देखिए मैंने यहाँ पे वाटर के कुछ ड्रॉप्स भी डाली है और ये बिल्कुल भी ना कलर छोड़ रहा है, ना कि जो हमने वार्निश अप्लाई किया था ना वो छोड़ रहा है। फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है। और तो मैं आपको दिए पे भी दिखाती हूँ, दिए पे भी देखिए मैंने इस पे इतना वो करने के बाद भी किया तो बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने डिब्बा बनाया था ना इस पे देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है। हमारी 1 मिलियन फैमिली बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी, आप सबका प्यार और सपोर्ट रहेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को बहुत सारा प्यार, होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो।
वीडियो में राधे राधे।